कि आप BGG माउस प्रो एप्लीकेशन से गेम प्ले करते हैं, तो दोस्तों आपको जॉयस्टिक बटन प्रॉब्लम जरूर दिखाई दिया होगा। अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से जॉयस्टिक बटन परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपने गेम के सेटिंग में चल जाना, तो मैं यहाँ से गेम के सेटिंग में चल जाता हूँ, कंट्रोल पर क्लिक करके कस्टमाइज हुड पे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मेरा सारा सेटिंग इस प्रकार किया हुआ है। इधर सारा सेटिंग इधर से उठा के मैं इधर रख दिया। और दोस्तों देख सकते हैं आपको भी इसी प्रकार से सेटिंग करना है जैसे मैं किया हूँ। सारा सेटिंग आपको इधर उठा के पटक देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो देख सकते हैं मेरा VPN वाला जो गन वाला है उसको मैं नीचे रखा हूँ, आपको भी यही नीचे रखना है। तो दोस्तों आपका जॉयस्टिक बटन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जॉयस्टिक बटन जो है ऊपर रखा हुआ है, इसको भी आपको ऊपर रखना है। उसके बाद दोस्तों जो GG माउस प्रो एप्लीकेशन का लोगो है इस पर क्लिक करके आप एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ईवी वाला जो ऑप्शन है जो माउस को आपके घुमाता है 360 डिग्री, उसको भी आपको इस जगह रखना है, इतनी दूर में कहीं रख देना है आपको, जहाँ आपको परफेक्ट लगे यहाँ पे रख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में जॉयस्टिक बटन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो मेरे सेटिंग का स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में लगा। दोस्तों इस प्रकार से सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी जॉयस्टिक बटन प्रॉब्लम है आपको सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब मिलते हैं अगले।